नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दाय तत्पत्रं नेत्रं येन त्वया भारत तैलपर्णं प्रज्वालितं ज्ञानमयं प्रदीपं गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तास को तीन लोक भय नाही। प्रार्थना करते हुए आर्त हृदय से विधिवत जैसे आप प्रणाम करते हैं वैसे प्रणाम कर लीजिए। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धे पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यो। दोनों हाथ आपके गुरु के आपके मस्तक पर है, ले लीजिए आशीर्वाद। आज आपका दिन है, आज आपका हक है। आप जैसे भी हैं आज आशीर्वाद आपका बनता है, ले लीजिए। जितना लूटना चाहे लूट लीजिए, वो खुले दिल से लुटाने को तैयार है। आप संकोच क्यों करते हैं? अनंत संसार समुद्र तारम नौकायिताभ्याम स्थिर भक्तिदाभ्य। हे मेरे अनंत समुद्र संसार, समुद्र को पार करने वाले मेरे गुरुदेव, आपके चरणों को अब मैं छोड़ूंगा नहीं। यही मुझे पार उतारने वाले नौका है। दोनों हाथ आपके सिर पर है, वो आपके कंधों को पकड़कर उठा रहे हैं। वत्स उठो, उठो और मेरे सामने देखो। उठो, उठो, उठो। क्या कहूं, मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है। मैं इतना भाव विभोर हो रहा हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। मेरे पास वो वाक्य रचना समझ नहीं आ रही है कि क्या कहूं। मेरे गुरुदेव, मेरे नाथ, मेरे दाता, आप मेरा चित्त संस्कारित करने वाले मेरे पिता से बढ़कर हैं। आप मुझे नया जन्म देते हैं माता से बढ़कर हैं। आप ब्रह्मा से बढ़कर हैं आप, क्योंकि मेरे चित्त को आप सृजन करते हैं, मंत्र देकर उसका पालन करते हैं। नारायण से बढ़कर हैं आप, मेरे पुराने संस्कारों को विनष्ट करते हैं। शिव से बढ़कर हैं आप। मेरे गुरुदेव, आपको कैसे रिझाऊं मैं नहीं जानता, कैसे पुकारूं मैं नहीं जानता, फिर भी बच्चा छोटा
केवल रोता है, वो नहीं जानता कि माँ को कैसे रिझाया जाए। ऐसे ही मैं नहीं जानता कि आपको कैसे रिझाया जाए। आपकी कृपा का वर्णन मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता, इसीलिए नहीं कर सकता कि आपने मुझे जब स्वीकार किया तब आपने कोई शर्त नहीं रखी कि तू पहले अनुष्ठान करके आ, फिर मैं तुझे स्वीकार करूँगा। मैं जैसा था, कुसंस्कारी था, मति मंद था, पापी था, क्रूर था, आपने जैसा था मुझे वैसे का वैसा अपनाया। माता से बढ़कर हैं आप। आपने ये नहीं देखा कि मैं कैसा हूँ, मैं आपको पसंद आऊँगा कि नहीं आऊँगा, आपने ये नहीं देखा, फिर भी आपने अपनी शक्ति से मुझे बनाने की कोशिश की। कैसे हैं आप? माता पिता से बढ़कर हैं आप, भगवान नारायण से बढ़कर हैं आप। पिता भी अगर पुत्र पिता के सपनों को साकार नहीं करता तो पिता भी पुत्र को निकाल देता है घर से। यदि माता के काम बेटा नहीं लगता है तो माँ भी कह देती है बेटा खर्चा भारी पड़ता है, तेरी पत्नी को लेकर अलग चला जा। पर मेरे गुरुदेव, आपने तो ऐसा कहा ही नहीं कभी, मुझे एहसास ही नहीं होने दिया। मैं विकारी था, मैंने चित्त से आपको कहा भी सही कि मेरे में इतने इतने दुर्गुण और इतने इतने पाप हैं। आपने फिर भी अपनी बाहें फैलाकर मुझे सदा गले लगाने के लिए तैयार और तत्पर रहे। नहीं देखा आपने कि मैं कैसा हूं, नहीं देखा आपने कि मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं, फिर भी आपने मुझे भगवत रास्ते पर चलाने के काबिल बना दिया। मैं आपको किस किस शब्दों से धन्यवाद दूं मैं नहीं जानता। कौन से शब्द आपको पसंद पड़ जाएंगे मैं ये भी नहीं जानता। कौन से शब्द आपके धन्यवाद के लिए उपयुक्त रहेंगे मैं ये भी नहीं जानता। मैं तो केवल दो आंसू बहा सकता हूं आपके लिए। वो भी निष्ठुर हृदय है तो कभी आंसू आते भी हैं और कभी नहीं। जिसकी आंखें अपने गुरु के उपकारों को याद करके छलकती नहीं है वो आंखें आंखें नहीं है। जो शिष्य को गुरु का ज्ञान याद करके और अपनी स्थिति को याद करके कि मैं कहां था और आज मैं कहां हूं, ये याद करके जिसकी आंखें भरती नहीं है वो निष्ठुर हृदय। ओ मेरे गुरुदेव, मैं तो फिर भी निष्ठुर ही हूं। आपके लिए जो रोना चाहिए वो रोना भी मुझे नहीं आता, आपके लिए जो आंसू बहाने चाहिए वो भी मुझे नहीं आते। क्या करूं क्या नहीं समझ से बाहर है। क्या शब्द कहूं क्या नहीं शब्दों से बाहर है आप। एकनाथ जी कहते हैं अपने गुरु के लिए, कि मेरा गुरु इसीलिए मन ले लेता है क्योंकि ये मन बड़ी काम की चीज है, मन अनमोल चीज है। जैसे पैसा अगर घर में पड़ा हो तो सुरक्षित नहीं होता है, उसे बैंक में रखना पड़ता है, ऐसे ही ये मन भगवान की प्राप्ति करा सकता है, इतना अनमोल है। इसीलिए गुरु अपने पास रख लेता है, मेरा मन मेरे गुरु ने अपने पास रख लिया और सुरक्षित है। मैं जानता हूँ मेरे गुरु के पास मेरा मन सुरक्षित रहेगा, मैं जानता हूँ। इसीलिए मेरा मन सबसे पहले गुरु सबसे पहले ले लेता है क्योंकि उस हृदय में उसे भगवान को खिलाना है।
उस हृदय में उसे प्रीति जगानी है। अब आप आपके गुरु के सम्मुख बैठे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप उसे निहार रहे हो। कितना सुंदर दृश्य है। कुछ और चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपके सामने आपके गुरु विराजमान है, वो गुरु जो भगवान के दर्शन करने के लिए भी उस गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे गुरु मेरे सम्मुख है, मेरी खुशी का पारावार नहीं है। बहुत प्रसन्न हूं मैं क्योंकि मेरे गुरु मेरे सामने बैठे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं, क्या बात है, बोल, कुछ कहना चाहता है, और आपके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। बस तू तू न रहे, मैं न रहूं, मैं तुझ में ऐसे मिल जाऊं, पानी में मिली नमक की डली, मैं तुझ में ऐसे घुल जाऊं। ओ मेरे रस सिंधु, तेरे चरणों में बैठने में इतना आनंद और रस है, मैं क्यों बार बार उस रस सिंधु से भाग भाग के थकाने वाले भोगों के पास चला जाता हूं? पता नहीं, थकता हूं, परेशान भी होता हूं, पर मुड़कर आपकी ओर नहीं आता। परमात्मा रस स्वरूप है, गुरु के श्री चरण कमल रस स्वरूप है। आपके हृदय पर हाथ रख लीजिए। मेरे गुरुदेव, इसे छोड़कर कभी कहीं मत जाइएगा। ये हृदय आपका मंदिर है, मैंने इसमें आपके चरणों को स्थापित कर दिया है। आइए विराजमान हो जाइए और वचन दे दीजिए कि आप इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चाहे मैं भटक भी जाऊं तब भी आप मेरे दिल पे दस्तक दे दिया करिए, क्योंकि हृदय आपका मंदिर है, हृदय आपके करीब है। तू तू न रहे, मैं न रहूं, हम तुझ में ऐसे मिल जाए, पानी में मिली नमक की डली, हम तुझ में ऐसे घुल जाए। नमक की डली, हम तुझ में ऐसे। अब प्रसन्नता है, प्रसन्न होइए। आपका गुरु पूजन तब सफल माना जाता है जब गुरु की प्रसन्नता मिल जाए। पर निश्चय मानिए कि आप अपने हृदय में गुरु के श्री चरण कमलों के अलावा अगर किसी को बिठाने की कोशिश करते हो तो आप भटकते ही हो और कुछ नहीं।
छोटी सी बात हम कहेंगे आपसे कि आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई कार्य शुरू करते हैं, आप ही के हृदय में विराजमान अपने हृदय की ओर देखिएगा, उसमें विराजमान अपने गुरु की सहमति ले लीजिएगा। यदि वो हाँ कहते हैं तो आगे बढ़िएगा, सफलता आपके हाथ में है। गुरु इतने व्यापक हैं कि उसके लिए कोई स्थान महत्व नहीं रखता। आपकी प्रसन्न छवि आपके हृदय में है अपने गुरु की, देखिए उसे, वो प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे हैं आपके सामने। आज आपके हर भावों को लेना उनका कर्तव्य है, उनका अधिकार है, और आपका उनका विविध रूपों से पूजन करना आपका अधिकार है। आप अपने अधिकार का सदुपयोग कीजिए। देखिए वो आपको कैसे निहार रहे, कर लीजिए, लगा लीजिए अपना भाग्य उनके श्री चरणों पे, कर लीजिए प्रणाम। उनके चरण कमलों से निकलती हुई अविरत प्रेम और कृपा की धारा को आपके मस्तक में प्रविष्ट हो जाने दीजिए। आपके आज्ञा चक्र के द्वारा, आपके शास्त्र सार के द्वारा बहुत ही सुंदर, दुनिया का पूरा सुख है इसमें, समस्त रस है इसमें, जिस रस के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। आपके गुरु के चरण कमल से निकलती हुई छूता हुआ जल भी गंगा जल हो जाता है। किसी गंगा जी में जाके स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। जिस मिट्टी को उनके चरण छू लेते हैं वो मिट्टी भी गोपी चंदन का तिलक बनने के काम लग जाती है, इतने पवित्र और इतने निर्मल है वो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा, तुझको सौंपता क्या लगे है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पर्ण प्रज्वालितु ज्ञानमय प्रणेत्र। आपके गुरु प्रसन्न है, उसकी आपको प्रसन्नता है। आपके गुरु ने दोनों दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद दिए और आपने आशीर्वाद लिए। आज आपका दिन है। इतने आशीर्वाद मिलने के बाद तो हृदय प्रसन्नता से भर जाता है, अहोभाव से भर जाता है।